हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। आज मैं कॉर्न क्रैकर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल हमने स्वीट कॉर्न लिया है। इसको हम अपने बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये एक कप स्वीट कॉर्न है, इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें एक चम्मच राइस फ्लावर ऐड करूँगी। इसके बाद 2 टेबल स्पून मैं टीस्पून कॉर्न फ्लावर यानी कि अरारोट, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न फ्लावर यूज़ किया है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट नमक यूज़ किया है और 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर इसमें यूज़ किया है। और हम 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से इसमें कोट करते हुए मिक्स करना है। हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कॉर्न जो है वो इस मसाले में बिल्कुल अच्छी तरह लिपट जाने चाहिए। अगर ये मिश्रण आपको सूखा लगता है तो उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर सकते हैं, पर मेरा मिश्रण ठीक था तो मैंने इसमें पानी इसलिए ऐड नहीं किया। इसको बहुत अच्छे से कोट करना है जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अभी हमारा कोट हो गया है। तेल हमें गर्म होने के लिए रखना है और तेल हमें मीडियम हीट पर ही हमें फ्लेम पर ही हमें गर्म करना है। अब हम इसमें कॉर्न क्रैकर्स ऐड कर देंगे, लेकिन हमें इसको बहुत ध्यान से फ्राई करना है। इसको हमें धीरे धीरे डाल करके इस तरह से करके फिर हमें इसको पूरा हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। और फिर बाद में इस तरह से हम कढ़ाई के अंदर डाल के इसको हम, ये थोड़े से पॉपअप होते हैं तो इसके लिए हम बीच बीच में चला कर इसे ढक देंगे, नहीं तो आपको ये हार्म पहुंचा सकते हैं। इस तरह से हमें इसे ढक कर पकाना है और इसकी फ्लेम अब बीच में हाई कर देंगे हम। ठीक है, भैया हमारे कॉर्न क्रैकर्स तल के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारे कॉर्न क्रैकर्स रेडी हैं। हम इसको चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लीजिए, हमारे कॉर्न क्रैकर्स तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बने हैं। आप भी अपने घर में बना के खाइए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।